मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी कई श्रद्धालुओं ने दोमुहानी नदी घाट, मानगो नदी घाट आदि जगहों पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। बता दें, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन नदी घाटों पर जाकर स्नान करने से और दान पुण्य करने से सभी पाप खत्म होते हैं। हाँ, मकर संक्रांति दो दिन मनाते हैं पंडित के हिसाब से, आज मना रहे हैं। तो मास्क मैंने पूरे टाइम लगा के रखा, बस नहाते टाइम उतारा। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जब नहाएं तब अपने मास्क उतारें और नहाने के बाद अपने मास्क पहने। थैंक यू। आज के दिन लोग दान पुण्य करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं कि नहा कर धोकर सूर्य भगवान को प्रणाम कर कर अपने दान वान करते हैं। तो मेन आज उसी के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है दान को। आज के दिन नहाने से जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, वो सब माना जाता है कि दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस मान्यता के हिसाब से यहाँ पे नहाने आते हैं, यहाँ पे अपने जो भी कष्ट है वो सब हटाने आते हैं। अभी लेकर के मकर भी हो जाता है दो दिन का लेते हैं, और फिर भी आदमी 14 तारीख ही मनाता है, फिर भी आदमी देखा देखी होकर 15 तारीख का लेता है। ये बहुत अच्छा पर्व है क्योंकि नहा गंगा जी में नहाना जरूरी होता है। बोलता है कि गंगा जी में नहाने से सब पाप से मुक्ति मिलता है, इसलिए गंगा जी में नहाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो है कि चल नदी है, गंगा जी को सब बराबर रखते हैं। मकर संक्रांति बोलता है कि गरीबों लोग का दान देना चाहिए। आज का दिन है कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। अन्न दान, वस्त्र दान, सब दान करने का जितना दान कर सकते हैं, आज के दान करने से आदमी को बहुत ही अच्छा लगता है।